तो श्री किशोरी जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। आगे की लीला कैसे होगी, लंका के तत्वों का उद्धार कैसे होगा? सीते राघव मुझे आप अग्नि में धरोहर रख दीजिएगा तो लंका के नालायक बेटों का उद्धार कैसे होगा, ताकि लंका के तत्वों के बीच में मेरी ओरिजिनल सीता को जाने की आवश्यकता नहीं, मेरी सीता की छाया जाएगी। मेरी सीता की छाया ही पर्याप्त है लंका के तत्वों का उद्धार करने के लिए। तो श्री किशोर जी का प्रतिबिंब भेजा गया है, सीता तो छू सकता है रावण नहीं। आप कहेंगे कि राम जी भी दो नंबर का धंधा करते हैं क्या? हाँ करते हैं, सबके साथ नहीं, एक नंबर वालों के साथ एक नंबर का धंधा करते हैं। और कोई दो नंबर वाला आवे तो कहते हैं कि मुझसे दो नंबर, मुझसे माया अधिक जानने वाला कोई नहीं, मैं मायापति हूँ। रावण अगर एक नंबर का होकर आता रावण की तरह, तो राम भी नारायण की तरह आते। लेकिन रावण अगर मायामय सन्यासी बनकर के आ रहा है तो मुझे भी माया मनुष्य भरी, रामात्म जगदीश्वरम सगुरु माया मनुष्य। रावण अपने सहयोगी को माया मृग बना करके ला रहा है तो मेरी तरफ से भी ओरिजिनल सीता नहीं, डुप्लीकेट सीता, सीता की छाया प्रति फोटो स्टेट होगी। कुल माया सीता करे कल्याण करते हुए पंचवटी में दूसरी कुटिया बनी। सुरखा के निरूपीकरण का बहाना बन करके खरभूषण तेसरा का 14,000 राक्षसों समेत श्रृंगार करके बक्सर के राक्षसों का पहले श्रृंगार हो चुका था। विश्वामित्र यज्ञ में मध्य भारत के उत्तर भारत में स्कंदक हो चुका था, मध्य भारत का भी मध्यभारत को भी स्कंदक करना था। तो दंडक बन के राक्षस खरदूषण तृष्णा का विनाश करते हुए उसके बाद दक्षिण भारत को निष्कंटक करने के लिए प्रभु आगे बढ़े। सीता जी की खोजने का बहाना करते हुए, जटायु जी पर कृपा करते हुए, शबरी जी पर कृपा करते हुए, पहले हनुमान जी को फिर सुग्रीव जी को अपना कर रावण के साथ जिसकी साथ नाथ थी उस बाली जैसे बंदर को जो अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण कर चुका था, ऐसे बाली का वध करते हुए हनुमान जी के माध्यम से सीता जी का पता लगा करके और लंका पर आक्रमण करके और रावण और उसके समर्थकों सहित असुरों का संहार करके विभीषण जी को भगवान तत्वा रक्षो गणेश काम लंका मायुष कल्पान जीवन पर कपूरी। अब अयोध्या प्रत्यावर्तन का एक परिवारी ये फिर आगे बढ़ते हैं। आए बहुरी रघुरैया अब घूमे बाजे बदैया, राम लखन तो भैया उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, सखा समुदैया
संभ्रातन के वह रूप मूर्ति मिले। राम जानकी के दो पुत्रों के नाम सब जानते हैं, दुष और लव। भरत जी के दो पुत्रों में उनके नाम है तक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण जी के दो पुत्रों में उनके नाम है अंगद और चित्रकेतु। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए, उनके नाम है सुबाहु और सुरसेन। इसके बाद राघव ने 13,000 वर्ष और श्रीमद् भागवत के अनुसार सतगुरुधम ब्रह्मचर्य धारण अजोत प्रभु त्रयोदशाब्दसहस्रम अग्निहोत्रम खंडितम्। अखंड अग्निहोत्र पूर्वक 13,000 वर्ष और पृथ्वी पर शासन करके और भक्तों के हृदय कमल में अपने उन चरणारविंदों को जो दंडक बन के कांटों से जीत नहीं हुए हैं, अब भी कांटे चरणों में चुभे हुए हैं, निकालने नहीं देते हैं। कोई कहे कि कांटों को निकाल दे तो कहते हैं कि कांटे नहीं है, मेरे चरणों की शरण लेने वाले जड़ प्राणी है। अगर चरणों की शरण लेने वाले को चरण से अलग कर दूंगा तो फिर मेरे चरण की शरण में कोई नहीं आएगा। धाम जाते समय भी प्रभु के चरणों में कंटक दिखाई पड़ रहे हैं श्री सुखदेव जी को। शरणागति करके चरित्र प्रारंभ किए थे गुरुवर्तित चित्राजी, और एक श्लोक से शरणागति करते हुए प्रभु को चरित्र को विश्राम दे रहे हैं। शरणार्थी करके विश्राम देते चरित्र को और हम लोगों को सलाह देते हैं, कहते हैं कि उस त्रेता युग में जो जो राम जी की दृष्टि पथ में आए अथवा जिन्होंने अपनी आंखों से राम जी को देखा वे सब उनके धाम को पधारे। कलयुग के लोग अफसोस करेंगे कि क्या हमारा इस सौभाग्य नहीं हो सकता है, तो कहते हैं कि हो सकता है। अरे राम जी शरीर से तो धाम में विराजमान है, लेकिन आप लोगों के लिए अपना चरित्र प्रतिष्ठित कर गए हैं धरती पर। तो पुरुषो राम चरितम श्रवणई रूप धारण आंध्र सदृश पर राजन कर्म बंधार मनुष्य थे। इस त्रिकाल में भी प्रभु के चरित्रों को अगर कोई कानों से सुनेंगे, वाणी से गाएंगे, मन से स्मरण करेंगे, तो त्रिकाल के भक्त भी उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ त्रेता के अयोध्यावासी लोग समाए। हम लोगों को चरित्र का सहारा है। शंकर भगवान कहते हैं कि सोई जस गाय भगत भव तरे। कृपा सिंधु सिंधु भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री रामचंद्र को श्री सुखदेव जी विश्राम दे रहे हैं और आगे कहते हैं कि इनके पुत्र कुश को राज्य मिला। कुश के पुत्र अतिथि, उनके निषद, उनके नव, उनके कुंडली, उनके छेदनवा, इस प्रकार से वर्णन करते करते मंसावली सुमित्र नाम के सूर्यवंशी राजा तक वर्णन करें। आगे इतिहास में कहते हैं कि इक्ष्वाकु जी के 100 पुत्रों में एक का नाम निमि, इनमें
वशिष्ठ जी से कहा कि मेरा निवेदन करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले कि आपसे भी पहले स्वर्ग वालों ने आग्रह किया है, जिसका पहले आग्रह है उनको पहले कहा कि लौटूंगा तब आपका कराऊंगा। आप मेरी प्रतीक्षा करें। निमि राजा प्रतीक्षा नहीं कर सके, सोचा कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। तो उन्होंने गौतम गोत्री ऋषियों को आचार्य रूप में वर्ण करके अपना यज्ञ करवा लिया। वशिष्ठ जी लौट के आए, बोले अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा यज्ञ करवा दूंगा। बोले मैं आपके भरोसे कब तक बैठा रहता, मेरा यज्ञ हो चुका। वशिष्ठ जी ने इसमें अपना अपमान समझ करके और साफ दे दिया कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। निमि राजा का शरीर छूटा, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले निमि राजा ने भी वशिष्ठ जी को साफ किया, वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया। निमि राजा ने फिर दोबारा शरीर नहीं धारण किया। अब भी ऋषियों के आशीर्वाद से सबकी आंख की पलकों पर निवास करते हैं, इसलिए जागृत दशा में पलके गिरती उठती है। पलक गिरने को निमेश कहते हैं, जिसके कारण निमेश, और पलक उठने को उन्मेश कहते हैं। अब यह वंश कैसे चलेगा, निमि का शरीर छूट गया और वशिष्ठ जी ने दोबारा शरीर धारण किया, मिथिला वरुण के तेज को माध्यम बनाकर। और जैसे अगस्त जी घड़े से और वाल्मीकि जी दीमक की मांडी से प्रेरित हुए हैं, ऐसे वशिष्ठ जी भी घड़े से दोबारा प्रेरित हुए, शरीर धारण किए। निमि राजा का वंश कैसे चले, जैसे बेन के निष्प्राण शरीर का मंथन करके पृथ्वी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसे ही आप 24 कलियुग में सुन चुके हैं, ऐसे ही निमि राजा के निष्प्राण शरीर का वैदिक प्रक्रिया से वैदिक मंत्रों से मंथन करके मिथिल नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए उदावसु, उनके नंदिवर्धन, उनके सुकेतु, उनके देवराज। इसी देवराज के समय में शंकर जी का धनुष जनकपुर में रखा गया था खानदानी तौर पर पूजन के लिए, जिसका श्री ध्वज जनक जी के समय में राम जी ने खंडन करके जानकी को अपनाया। इसी वंश में आगे चलकर कई पीढ़ी के बाद महारोमा नाम के राजा जनक हुए। जनक इस खानदान की पदवी बन गई, नाम अलग अलग होते रहे हैं। महारोमा जनक के पुत्र हुए स्वर्ण रोमा जनक, स्वर्ण रोमा जनक के पुत्र हुए हृष्ट रोमा जनक, जनक हृष्ट रोमा जनक के पुत्र हुए महाराज श्री शीरध्वज जनक। यही शीरध्वज जी जानकी जी के पिता कहलाए हैं। इनका नाम शीरध्वज क्यों पड़ा, इसकी व्याख्या श्री सुखदेव जी ने की है। तथा शीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षितो महीं सीता शीराकृतो जाता तस्मात् शीरध्वज स्मृतः। शीर कहते हैं हल की नोक को, उससे बनी हुई जो क्यारी होती है उसका नाम होता है सीता। उसमें से शीर का प्रतीक होता, उस क्यारी में से हल की नोक के आगे जानकी प्रकट होने से जानकी का नाम सीता, सीता शीराकृत हो जाता। और इस शीर की नोक से प्रकट होने वाली जानकी के चलते इस जनक जी की कीर्ति की ध्वजा फहराएगी, इसलिए इनका नाम शीरध्वज जनक पड़ा, ऐसा कृष्णदेव ने बताया है। इस शीरध्वज जनक जी के पुत्र हुए कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज, कृतध्वज इत्यादि। इसमें द्वापर के अंतिम चरण में जो जनक जी विराजमान रहे उनका नाम था महाराज बहुलास जनक। ये निमि जी से बहुलास राजा तक वर्णन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, एते वैते किला राजन आत्म विद्या विशारदा
योगेश्वर प्रसादिना द्वंद्वय मुक्ता योगेश्वरी। ये सभी जनक कलाएं, ये सभी मैथिल कलाएं हैं। और घर में रहते थे लेकिन राता के प्रापंचिक द्वंद्वात्मक भावना से बहुत ऊपर उनको भवबंधन नहीं था। ये औरों का भवबंधन छुड़ाने वाले कैसे वो योगेश्वर प्रसादिना। इस खानदान पर बड़े बड़े योगेश्वरों की कृपा होती रही है। योगेश्वर जाग्ञवल के, योगेश्वर अष्टावक्र और नव योगेश्वर कबीर हरे अंतरिक्ष करवाजना। अब तक आप लोग इस नव स्कंद के 13 अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन सुन रहे थे। अब बाकी 11 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सूर्य वंश में सूर्य वंश विभूषण राजा रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं और चंद्र वंश में चंद्र वंश विभूषण श्री कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट हुए। इसका वर्णन आप आगे श्रवण करेंगे। सूर्य वंश की वंशावली आप सुन चुके हैं। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक मरीचि के कश्यप के विवस्वान सूर्य के वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु और उस वंश में आगे प्रसन्न इत्यादि श्री राम जी किया। अब चंद्र वंश की परंपरा सुनिए। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में दूसरे पुत्र का नाम अत्री, अनुसुईया जी की के पति अत्री नाम की देवशी की अनुसुईया नाम की पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय दुर्वासा को विरक्त है, चंद्रमा गृहस्थ हुए। फिर से सुनिए। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के 10 पुत्रों में अत्री के 3 पुत्रों में एक चंद्रमा के पुत्र बुध के पुत्र हुए पुरुर्वा की पत्नी उर्वशी। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है लेकिन कुछ दिनों तक इस भूतल पर आकर के रही, क्यों? मित्रा वरुण ऋषि का शाप था। एक बार मित्रा वर्ण ऋषि ने उर्वशी का आह्वान किया, उसने इन्हें धरती का मानव का करके तिरस्कार किया, चली गई। मित्रा वर्ण ने शाप दिया, हमें धरती का मानव करके तिरस्कार कर रही है तो तुमको भी धरती पर मानवी के रूप में कुछ दिन रहना पड़ेगा। उसी शाप को निपटाने के लिए उर्वशी आकर के और धरती के मानव पुरुर्वा की पत्नी बनी और कुछ दिनों में साफ मिटा करके अपने स्वर्गलोक में चली गई। जितने दिन उर्वशी पुरुर्वा की पत्नी के रूप में रही उतने दिनों में ऐलस्य जोरशी गर्भात खड़ासन नाथ मिलाने पर उर्वशी के गर्भ से पुरुर्वा ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। आयु सत्यायु सुखायु राय विजय और जय। विजय के पुत्र भीम के कांचन के होत्र के जन्नु। इसी जन्नु जी ने गंगा जी को पी लिया था। ऋषि रूप में तप कर रहे थे। जन्नु के पुत्र हुए पोरु के बड़ा के अगर उनके कुश उनके कुशाम्बु तनय वसु कुशनाव। कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी राजा की एक कन्या थी सत्यवती, जिनका विवाह ऋचित ऋषि के साथ हुआ। ऋचित ऋषि ने गाधी राजा से कहा कि अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए मेरे साथ। उन्होंने कहा 1000 श्याम घोड़ा का दर्शन कराइए तब विवाह होगा। उन्होंने सोचा कि राजा महाराजा लोग भी जल्दी श्याम कर्ण घोड़ा नहीं पाते हैं, ये ऋषि होकर के और वो भी 1000 श्याम कर्ण घोड़ा कहाँ से लाएंगे। लेकिन ऋषि वरुण देवता के पास गए और 1000 श्याम कर्ण घोड़ा के बिना मेरा विवाह रुका हुआ है। तो वरुण जी ने कृपा
छिपा करके 1000 श्याम चरण घोड़ा प्रस्तुत किए। उसी की मिलाकर गाधी राजा के सामने 1000 श्याम चरण घोड़ा प्रस्तुत कर दिए। गाधी राजा को अपनी बेटी सत्यवती का विवाह ऋषि जी के साथ करना पड़ा। सत्यवती की सेवा से ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, मुझे क्या चाहती हो? ताकि मुझे भी पुत्र हो और मेरी माँ को भी पुत्र हो। मेरे कोई भाई नहीं। तो ऋषि में दो तरह की चरू, एक को ब्राह्मण मंत्र से, को छात्र मंत्र से मंत्रित करके दे दिया। बोले कि ये तू खा लेना, ये अपनी माँ को दे देना। अपना खा ली होती, माँ वाला माँ तक पहुंचा देती, लेकिन नहीं, दोनों चरू लिए सत्यवती माँ के पास गई और भोला पन ने बोली कि ये मेरे लिए दिया है, ये तेरे लिए दिया है, ताकि अपनी वाली मुझको दे दे, मेरी वाली तू खा ले। उलट फेर हो गया। तब श्री ऋषि बोले कि उसको गड़बड़ हो गया। क्यों? सत्यवती जो ब्राह्मणी है ऋषि की पत्नी, लेकिन तेरे जब से क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि तुमने छात्र मंत्र से अभिमंत्रित जरूर किए और तेरी माँ क्षत्राणी है, लेकिन उसके गर्भ से ब्राह्मणोचित संस्कार वाला पुत्र होगा, क्योंकि उसने मित्र मंत्र से अभिमंत्रित जरूर ग्रहण की है। तो सत्यवती ने कहा कि मेरी माँ की गलती है, मेरी गलती नहीं, इसलिए उसके गर्भ से जैसा पुत्र हो, मेरे गर्भ से तो आपके अनुरूप ऋषि संस्कार वाला विप्रोचित संस्कार वाला पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। तब ऋषि कृषि ने दूसरी चरु अभिमंत्रित करके दी और बोले, इसे ग्रहण कर ले। तेरे उदर में पहुंची हुई पहले वाली चरु इस दूसरी चरु के भीतर निहित हो जाएगी और अब वाली चरु के प्रभाव से तेरे गर्भ से तो ब्राह्मणोचित संस्कार वाला पुत्र होगा, लेकिन तेरे पुत्र के भीतर पहले वाली चरु निहित रहेगी, उसके प्रभाव से तेरे पुत्र का पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा। इसी से फिर परशुराम उत्पन्न हुए। सत्यवती के गर्भ से द्वितीय चरु के प्रभाव से यमदग्नि ऋषि प्रकट हुए। यमदग्नि के भीतर पहले वाली चरु थी, इसके प्रभाव से फिर परशुराम उत्पन्न प्रकट हुए। जेठ महीना वैशाख महीना में जो अक्षय तृतीया कहलाती है ना, वो परशुराम जी की जन्म तिथि है। उधर जो सत्यवती की माता ने खास ब्राह्मण मंत्र वाली चरु ग्रहण की थी, उसके प्रभाव से उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम पड़ा विश्वामित्र। प्रकट तो हुए क्षत्रिय कुल में, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज को देख कर इन्हें ब्रह्म ऋषि कहलाने की सवार हो गई। वो मंत्र वाले प्रभाव से इन्होंने बहुत प्रयत्न करके तब ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। उतना विस्तार से ये ब्रह्म ऋषि पद प्राप्ति वाली कथा करने की गुंजाइश नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण बहुत विस्तार से वर्णित है। आइए परशुराम जी की श्री हरे लोग परशुराम जी के जीवन की एक दो घटनाओं का वर्णन यहाँ है। एक बार है वंशी अर्जुन, जिसको 1000 हाथ थे, इसलिए उसको सहस्रार्जुन अथवा सहस्रबाहु भी कहते थे। ये है वंश भी चंद्र वंश की ही एक शाखा है। ये सहस्रार्जुन एक बार यमदग्नि ऋषि की कुटिया पर आया और यमदग्नि ऋषि ने उनका सेना सहित राजोचित सत्कार किया। आश्चर्य हुआ उस सहस्रार्जुन को, झोपड़ी में रहने वाले बाबा जी ने सारी सेना समेत हम लोगों को सोने के थाल में, सोने की कटोरी में ऐसे ऐसे दुर्लभ पदार्थ कैसे खिलाया, मालूम हुआ काम धेनु गौ के प्रभाव से। तो काम धेनु गौ को ये वहां से छीन करके यमदग्नि ऋषि से अर्जुन भागने लगा। श्री यमदग्नि ऋषि ने कहा कि बेटा परशुराम,
गाय की रक्षा करो। परशुराम जी ने उस सहस्त्रार्जुन को समझाया, देखो तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। रक्षा करने के बजाय तुम ही प्रजा की गाय बहु बेटी धन संपत्ति लूटने और छीनने लगोगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? ऋषि की गाय छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा तो परशुराम जी ने कहा कि हम जाने दे देंगे तुमको गाय लेकर के। उसने समझा मामूली ऋषि कुमार है, क्या कर लेगा, उसको पता नहीं था कि 24 अवतार में एक है परशुराम जी। सहस्त्रार्जुन ने अपनी सेना को लगा दिया मारो बाबा जी, सेना ने आक्रमण किया अकेले परशुराम जी पर। अकेले परशुराम जी ने दिव्यास्त्रों से सारी सेना को गाजर मुरी की तरह काट दिया और फिर सहस्त्रार्जुन खुद लड़ने लगा। हजार भुजाएं थी, ये 500 हाथ में धनुष 500 और 500 हाथ में बाण, एक एक साथ 500 बाण चलाता। परशुराम जी के एक धनुष पर से निकला हुआ एक हथियार एक बाण सैकड़ों बाण बंधन बन करके और उसके हथियारों को काटता रहे और उसने अपने फरसा से सहस्त्र बाहु के हजार गुनाहों का छेदन करके और उसका गला काट के धराशायी कर दिया। कायन सहस्त्र बाहु गुण छेद निहारा परस्त लोक मोहित कुमारा। और गैया को छुड़ा करके लाए तब श्री यमदग्नि जी ने कहा कि बेटा वयम भी ब्राह्मणा स्तात्र क्षमया रक्तांगता, हम लोग ब्राह्मण है, हम लोगों में क्षमा होनी चाहिए, तुमने क्रोध करके राजा की हत्या की है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। परशुराम जी बोले कि पिताजी आपकी दृष्टि में वो राजा रहा होगा, मेरी दृष्टि में तो डाकू था। अरे राजा तो वो जो प्रजा की रक्षा करे, जो ऋषि की गाय किसी की बहू किसी की बेटी छीन कर भागे तो राजा है कि डाकू है? आप मैंने अपनी दृष्टि से डाकू तुम्हारा है, आपकी दृष्टि में राजा था और उसको मारने से प्रायश्चित करना जो कहिए करूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जा बेटा फिर पाठन कर गया और राम जी प्रशासन करके लौटे। तब तक उनके घर में एक और घटना घटी। परशुराम जी की माता रेणुका देवी जल लेने गंगा किनारे गई थी और चित्रदक्ष नाम के गंधर्व राज की जल क्रीड़ा को बहुत देर तक देखती रही। इससे नाराज होकर के जगदग्नि ऋषि ने सोचा आज उनकी दृष्टि यदि है पराए पुरुष पर फिर मन जाएगा, फिर तन से कुछ गलत काम न कर बैठे, इसलिए अपने बेटों से कहा कि इस माँ को मार डालो। कोई तैयार नहीं हुए तब परशुराम जी को बुलाया, परशुराम इधर आओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? का पिता तुम मेरे कौन हो? का पुत्र हूँ, तुम्हारा मेरे प्रति क्या कर सकते हैं? परशुराम जी को आश्चर्य हुआ, आज पिताजी ऐसा ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, क्यों बार बार ऐसा पूछ रहे? ताकि मेरी आज्ञा का पालन करोगे, ताकि आज्ञा दे करके देखिए, ताकि अपनी भैया और अपने भैया सबका गला काट डाले। आज ये लीजिए, परशुराम जी ने पर्दा उठाया, भैया सबका गला काट दिया। कर दिया आपकी आज्ञा का पालन में? बोले हाँ। अब आगे हमें प्रसन्न वर मांगे, तो वर मांगे कि मेरे मरे हुए भैया और मेरी मरी हुई भैया जीवित हो जाए। जीवित कर लिया। इस तरह से पितृभक्ति मातृभक्ति भ्रातृ प्रेम सबको निभा लिया। प्रसन्न हुए। उधर सहस्त्रार्जुन मारा गया था तो सहस्त्रार्जुन के बेटों ने कहा कि परशुराम ने मेरे बाप को मारा तो हम परशुराम के बाप को मारे। तो चुपके चुपके आकर झोपड़ी में भजन करने वाले श्री यमदग्नि ऋषि को मार डाला उनको चोर। तब परशुराम जी को चिढ़ हुई, कहा कि एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी, क्षत्रिय होकर प्रजा को सताते हैं और उल्टे फिर आकर बदला लेने लगे। तो माँ से कहा कि माँ पिताजी के शरीर को सुरक्षित रखना, मैं जीवित करूंगा और दुष्ट क्षत्रियों को रहने नहीं दूंगा। जो धर्मात्मा प्रजा पालक थे उनसे नहीं कुछ कहते थे, हाँ दशरथ जी से और जनक जी से नहीं कुछ बोलेंगे,
लेकिन जो राजा के नाम पर डकैती करते थे, अपहरण करते थे, ऐसे दुष्ट राजाओं को तो छोड़ना भी नहीं है। तो मार मार करके उनका मस्तक का भाग खा कर दिया, रक्त का खून बना दिया, ये भी करके और पिताजी को जीवित कर दिया। आज भी इनके पिताजी जगदम्बनी ऋषि भगवान मनोन्तर के सप्तर्षि मंडल में सम्मिलित है। जमदग में भरद्वाज विश्वामित्र गौतमा कश्यपा अपने वशिष्ठ चले सप्तर्षि। अभी भी प्रश्न के पिताजी जमदग्नि ऋषि सप्तर्षि मंडल में सम्मिलित है वर्तमान मनोन्तर के। अब आगे वर्णन करते हैं कि पूर्वा के छह पुत्रों में एक विजय का वंश वर्णन किया। अब पूर्वा के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन करते हैं। आयु के पुत्र कौन हुए? नहुष, शत्रुवज, रजी, रंभ और अनेना। इनमें से नहुष ने 100 यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ, और इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी तो नहुष को तात्कालिक इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, क्योंकि ये शतक्रतु के 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। लेकिन इनकी नियत बिगड़ गई इंद्र की पत्नी सती के प्रति। सब ऋषियों को पालकी में जोड़कर ये इंद्राणी कटाने की चेष्टा कर रहे थे, ऋषियों ने शाप दे दिया इनको सर्प होने का, ये अजगर बन गए। इनका उद्धार युधिष्ठिर जी के स्पर्श से हुआ है, ऐसा महाभारत में वर्णन है। उस नहुष के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, यति, ययाति, आयति, व्यति, कृति। यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। ययाति बड़े धर्मात्मा राजा हुए, उनकी 2 पत्नियां हुई, एक का नाम देवयानी जो शुक्राचार्य की बेटी थी, दूसरी का नाम शर्मिष्ठा जो दानवराज विश्वकर्मा की बेटी थी। इनमें से दानवराज विश्वकर्मा की बेटी से 3 पुत्र हुए, दुर्यु, अनुपुर और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और पूर्वसु। इसी यदु जी के वंश में श्री कृष्णचंद्र प्रभु प्रकट हुए हैं। ये यदु देवयानी के पुत्र थे, और शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र थे दुर्यु, अनु और पूर्व, इनमें से पूर्व के पुत्र श्री हरेनमा, पूर्व का वंश वर्णन किया है। पूर्व वंशम प्रोक्ष्यामि यत्र जातो भारत। पूर्व के पुत्र हुए जनमेजय। जनमेजय के प्रचिन्वान, प्रचिन्वान के कबीर, उनके नवसिंह, उनके चारुपद। इसी वंश में रईक के नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र हुए श्री दुष्यंत। इन दुष्यंत जी का विवाह विश्वामित्र जी की बेटी शकुंतला के साथ हुआ था गांधर्व विधि से, जिससे कि भरत नाम के बड़े छतापी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बचपन में सिंह के बच्चों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे गांव के बच्चे पिल्ला के साथ खेलते हैं। और ऐसे भरत जी के वंश में कई पीढ़ी के बाद रंतदेव नाम के राजा हुए। रंतदेव राजा बड़े पुराण, बड़े दयालु, अकाल पड़ा, प्रजा का दुख देखा नहीं गया तो इन्होंने खजाना खोल दिया। जब कुछ भी नहीं रहा, प्रजा का दुख देखा नहीं गया तो जंगल में चले गए। 47 दिनों तक भूखे प्यासे न अन्न मिला, न जल मिला, न पेड़ के पत्ते मिले, न छाल मिली। और 48वें दिन भोजन और पानी इतना मिला जितने राजा, रानी और राजकुमार का गुजारा हो सकता था। लेकिन इन्होंने भूख के मारे व्याकुल आए हुए एक ब्राह्मण, एक शुद्ध और एक चांडाल को अपना अपना भोजन का फाल सौंप दिया और सोचा कि जल्दी में कुछ आधार हो जाएगा। तब तो चांडाल के साथ का कुत्ता गिर पड़ा। राजन, आप बड़े दयालु हो, मेरा कुत्ता प्यास के मारे छटपटा रहा है, इसके प्राण बचाओ। तो जल भी इन्होंने दान कर दिया। इसके बाद पर्दा बदल गया, ब्राह्मण, शुद्ध, चांडाल, कुत्ता,
ब्राह्मण शुद्ध चांडाल और कुत्ता नहीं रह गए, बल्कि उनकी जगह पर ब्रह्मा विष्णु शिव और धर्म प्रकट हुए। और बोले कि राजन, आपकी त्याग इच्छा सेवा प्रेम उपकार मेरी भावना से हम बहुत प्रसन्न है। आपकी जो इच्छा हो वह मांगो, आपका गया हुआ राज्य वापस दे दे नहीं, स्वर्ग दे दे बोले नहीं, मोक्ष ले लो बोले नहीं, अरे कुछ तो मांगो बोले कामे दुख तत्व नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, ये अकाल पीड़ित जन समुदाय का दुख दूर हो जाएगा। इन्होंने जो पाप किया है उसका फल कौन भोगेगा, बोले आरतिम प्रपद्य हृदय वाजा मंत्र जो ये मोहन के दुख का, इनके बदले में दुख मैं भोगू और मेरे बदले में सब के सब सुखी हो जाए, ऐसी मांग रंगदेव जी ने करी है, ऐसे वो संत कहा जाता है। इसी वंश में आगे चल करके प्रतीक नाम के महापुरुष हुए, इनके तीन पुत्र देवाती शंतनु और बालनी के, देवाती राज्य छोड़कर चले गए तो उनके छोटे भाई शंतनु राजा बने, शंतनु को गंगा जी पत्नी के रूप में मिले, क्योंकि एक बार गंगा जी ने और पार्वती जी ने कामधेनु गौ की हंसी उड़ाई थी। कामधेनु गौ के पीछे 5 सांड विदार घूम रहे थे, उनको देख करके पार्वती जी हंस पड़ी और गंगा जी हंस पड़ी, तो कामधेनु गौ ने शाप दिया था, मैं तो पशु शरीर में हूँ, मेरे पीछे 5 सांड देख कर तुम हंसी उड़ाती हो, पार्वती तुम मानवी बनोगी और तुम्हारे 5 पति होंगे, वही द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है और 5 पांडवों की संयुक्त पत्नी हुई है। गंगा ने हंसी कही कामधेनु गौ की तो गंगा को भी शाप दिया कि तुम्हें कुछ दिन मानवी के रूप में धरती पर रहना पड़ेगा। उन्हीं गंगा जी के गर्भ से संतनु राजा ने 8 पुत्र उत्पन्न किए, 8 वसु आकर जन्म लिए थे, 7 को गंगा जी अपनी धारा में ले गई और 8वें में भीष्म पितामह, 55 का नाम देवव्रत। इनको शंतनु जी की गोदी में सौंप कर गंगा जी अपने स्वरूप में स्थित हो गई। फिर शंतनु जी को पत्नी की आवश्यकता हुई, दास राज के द्वारा पाली पोसी गई सत्यवती नाम की कन्या को इन्होंने पत्नी बनाना चाहा, तो दास राज ने कहा मेरे देवता को राजगद्दी का वचन दो, तब तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। सब चाहे शंतनु जी के भी गंगा पुत्र देवव्रत मौजूद है, आपके देवता को राजगद्दी का संकल्प कैसे कर दो। तब देवव्रत ने कहा पिताजी कह दीजिए कि मेरा गद्दी नहीं लूंगा और मेरे बाल बच्चों से डर हो तो मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो इन्हीं के देवता पुराणी का संकल्प कर लीजिए। किसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात हुए। इसके बाद शंतनु जी का विवाह सत्यवती के साथ हुआ, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और चित्रवीर। चित्रांगद नाम के राजकुमार मारे गए चित्रांगद नामक गंधर्व के द्वारा। विचित्र वीर का 2 विवाह हुआ काशी नरेश की बेटियों से। काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर में से हरण करके भीष्म जी ला रहे थे, अंबा बोली कि मेरा मन साल के साथ विवाह करने का था, उसको उतार दिया। फिर अंबिका और अंबालिका के साथ अपने भाई विचित्र वीर का विवाह किया। विचित्र वीर की आसक्ति बहुत अधिक हो गई पत्नियों के प्रति, उनको यक्षमा का रोग, जिसको आप तृप्ति भी बोलते हैं, हो गया। हमें वंश पर से चलेगा। तब फिर वेदव्यास की से प्रार्थना की गई, वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी दृष्टि के सामने से वो दोनों गुजर जाएंगी तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वे अंबिका और अंबालिका दोनों में से 1 आँख बंद करके निकली वस्त्रहीन होकर के, वो उसके गर्भ से अंधा पुत्र धृतराष्ट्र नाम के पैदा हुए। दूसरी लज्जा के मारे पीली पड़ गई भय के मारे, तो उनसे पीला पुत्र पांडु उत्पन्न हुए। इन दोनों के साथ साथ एक दासी भी शुद्रा दासी वस्त्रहीन होकर के और बड़ी भक्ति भावना से प्रणाम करती हुई थी, उनके गर्भ से श्री विदुर जी का जन्म हुआ। इसीलिए कौरव और पांडव दोनों मिलकर विदुर जी को चाचा जी कहते हैं।
द्रौपदी संयुक्त स्त्री है नमा धृतराज की गांधारी नाम की पत्नी की गर्भ से दुर्योधन दुशासन इत्यादि सौ पुत्र उत्पन्न हुए। दुशला नाम की कन्या उत्पन्न हुई और पांडु की दो पत्नियां हुई कुंती और माधुरी। कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर भीम अर्जुन तीन पुत्र हुए। माधुरी के गर्भ से नकुल और सहदेव नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये पांच पांडव कहलाए। द्रौपदी इन पांचों की संयुक्त पत्नी हुई। इनके अतिरिक्त भी इनकी अलग अलग पत्नियां थी। अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी। माता देवकी के आठवें गर्भ से भगवान कृष्ण और माता देवकी के नौवें गर्भ से सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन ने सुभद्रा से अभिमन्यु नाम का पुत्र उत्पन्न किए और अभिमन्यु की उत्तरा नाम की पत्नी के गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। ये पूर्व के वंश का वर्णन है। अब जो देवयानी के गर्भ से यदु उत्पन्न हुए थे यदि के उन यदु जी के वंश में शूर नाम के एक महापुरुष उत्पन्न हुए जिनकी मार्षा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें सबसे बड़े का नाम है वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवक जी की 7 कन्याओं से हुआ था जिनके नाम है धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिका, सहदेवा और देवकी। इनके अतिरिक्त भी वसुदेव जी की और कई पत्नियां थी जिनके नाम है कौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोशना, इला इत्यादि। रोहिणी के गर्भ से बलराम इत्यादि उत्पन्न हुए थे। देवकी के गर्भ से कीर्तिमान, सुखेन, भद्रसेन, विदु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार, बलराम। आठवें गर्भ से भगवान कृष्ण और नौवें गर्भ से तुम्हारी पितामही सुभद्रा उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के आठवें गर्भ से प्रकट होकर के प्रकट हुए मथुरा में कंस के कारागार में। लेकिन प्रकट होते ही गोकुल चले गए। गोकुल में जाकर नंदवन में इन्होंने बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की। कोतला, तृणावर, अगासुर, बकासुर इत्यादि असुरों का उद्धार करते हुए मृतिका भक्षण, माखन चोरी, काली मर्दन, गोवर्धन धारण, महाराज क्रीड़ा इत्यादि मधुर मधुर लीलाओं से वनवासियों को सुख देते हुए और 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा जाकर कंस कुमारा वस्ते देवकी का बंदी मोचन किए और श्री उपसेन जी को राजगद्दी पर बिठा करके अपना उपनयन संस्कार करा करके शांतिनी गुरु के यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए। वहां से लौट करके उद्धव जी को वनवासियों की सांत्वना के लिए ब्रज में भेजा। उद्धव के लौटने पर 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार भाग करके द्वारका चले गए। वहां इनके 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र एक एक कन्याएं हुई। सुदामा जैसे भक्त पर कृपा करते हुए महाभारत के बहाने पृथ्वी का भार उतार करके भगवान ने उद्धव जी को एकादश स्कंध का गृह उपदेश किया और पृथ्व्या सवई गुरुवर सपेन करुणा मंत समुक्त कन्या जमुवर दृष्टिया परम सर्वगात सुधाम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंध का ज्ञान उपदेश करके अपने धाम को चले गए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण विद्या शिक्षा वृत्ता शास्त्रयाम पारम गुरुजाम संहितायाम नमस्त मुनि त्रिसुल सोम बंसाम चतुरे यजुर नाम चतुर नाम चतुर्विंश अध्याय नमस्त मुनि संपूर्ण। अभी तक आप लोग नौ स्कंध की कथा सुन रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी सजावट करी है नंद महोत्सव मनाने के लिए, कन्हैया जी की जन्म बधाई गाने के लिए और इन्होंने चक्र पट जन्म भी करा दिया और धाम भी पहुंचा दिया। हमने नहीं, श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में श्री कृष्णावतार का चरित्र पूरा धाम गमन तक नवम स्कंध में वर्णन कर दिया। रामावतार के चरित्र वर्णन में फिर भी 2 अध्याय खर्च किए हैं, 10वां और 11वां। लेकिन कृष्णावतार में तो 1 अध्याय भी नहीं, आधा अध्याय भी नहीं, 1/4 अध्याय में पूरा कृष्ण चरित्र वर्णन कर दिया। क्यों?
श्री सुखदेव जी ने सोचा कि चार दिन हो गए परीक्षित को बिना खाए पिए कथा ही कथा सुन रहे, कई तो भूख प्यास नहीं लग रही हो, इसलिए जरा मौका दो। तो परीक्षित जी समझ गए, बोले कि प्रभु भूख प्यास पहले मुझे बहुत सताया करती थी, इसी भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे सभी ऋषि के गले में मरा हुआ सर डाला और साथ का भागी बना प्राण होगा। तीन मिनट के पश्चात जिस भूख प्यास के लिए व्याकुल करके इतना बड़ा दोष मुझे उपस्थित कर दिया था, आज चार दिन हो गए आपके रूप से कथा सुनते हुए, ये कथा रूपी अमृत पान कर करके और मेरे शरीर की भूख प्यास तो खत्म हो गई है। हाँ, कथा की भूख और कथा की प्यास बहुत बढ़ गई है, कथा बंद मत करिए, क्योंकि कथा बंद कर दीजिएगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, और प्राण नहीं रहेंगे तो तक्षक बेचारा किसको दसेगा, इसलिए तक्षक के आने तक कम से कम जीवित रहो, इसलिए कथा सुनाते रही, मैं कथा के सहारे जी रहा हूँ। और क्या पता तक्षक सातवें दिन आ गए और भगवान श्री कृष्ण कहीं पांचवें दिन ही आ गए, बोले आने वाले बोले वृंदावन बिहारी। अब श्री परीक्षित जी फिर से जिज्ञासा करते हैं वसन स्कंद में, आप जैसे महापुरुष जिनके हृदय किसी प्रकार की आशा तृष्णा और वासना नहीं, आपके मुख से कथा रूपी अमृत का पान करके कौन ऐसा होगा बिना पशुघाती के जो की कथा से डूबेगा, कथा से बिल्कुल डूब नहीं हो रही है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने खेवैया बनकर महाभारत रूपी समुद्र से मेरे पूर्वजों की मैया को पार लगाया था, जिनने मेरी माता के उदर में प्रविष्ट होकर के मुझे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी, उन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनाइए, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है। आपने कहा कि रोहिणी के प्रथम पुत्र है बलराम और देवकी के सातवें पुत्र है बलराम, तो दो बलराम हुए कि एक ही बलराम, और एक बलराम तो दो माँ के पेट से कैसे। आपने कहा कि कृष्ण भगवान प्रकट हुए मथुरा में, भक्त के गोकुल चले गए, गोकुल क्यों चले गए, और ब्रज में कृष्ण कौन कौन मिलाए थे, त्रिलोक कर मथुरा में कौन कौन मिलाए थे, और यदपुरी द्वारका में कैसी कैसी मिलाए थी, जरा विस्तार से सुनाइए। निरंतम तन्मुखाम भोजम भय कथामृतम, आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो कथा रूपी अमृत का स्राव हो रहा है उसको पान करके मेरी शरीर की भूख प्यास तो समाप्त हो चुकी है, कथा की प्यास पड़ गई है। पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की कही कि सम्यक प्रस्ताव दुष्ट और आदर्श तुम्हार वास्तव कथायाम दे ज्ञाता निश्चिती रति, भगवान की कथा में तुम्हारी गति पूर्ति हो गई, इसका मतलब तुम्हारी मति सम्यक व्यवस्था हो चुकी है, मतलब अंतिम समय में जहाँ लगनी चाहिए और किस प्रकार से लगनी चाहिए लग चुकी है। भगवान की कथा वक्ता श्रोता और प्रेक्षक तीनों को पवित्र करती है, जैसे गंगा मैया तीनों लोग को पवित्र करती है। अब सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, कंस अघासुर बकासुर दुर्योधन दुशासन पिनावर पूतना और शिशुपाल असुरों के अत्याचार से पृथ्वी भारवती हो करके देवताओं से पुकार करने लग गई कि हमारी रक्षा करो, देवता बोले राक्षसों के अत्याचार से हम भी परेशान हैं। फिर ब्रह्मा जी और शंकर जी को साथ लेकर क्षीर सागर के किनारे पुरुष से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई दबाव नहीं वसुदेव ने साक्षात भगवान प्रजापर संबंध वसुदेव जी के घर में, घर में मन धर्मी से मेरा अवतार होने वाला है, देवता लोग को सांत्वना मिली। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं भगवान जी तुम्हारे लिए नर बन करके आ रहे हैं,
तो तुम लोग भी यदुवंश में विभिन्न रूप में अवतार लेकर उनकी लीला में सहयोग करो, लीला का सुख प्राप्त करो। इसके बाद आगे